हेलो फ्रेंड्स, मैं मिस्टर मौसम सिंह, सीटीटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं कोरलडा के इंट्रोडक्शन के बारे में बताने वाला हूं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कोरलडा के डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं कोरलडा के एप्लीकेशन के बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों, कोरलडा को किसने फाउंड किया था। तो कोरलडा को फाउंड करने वाले हैं माइकल कॉपलैंड। इन्होंने 1985 ईस्वी में कोरलडा को फाउंड किया था। इसके बाद दोस्तों, कोरलडा का हेडक्वार्टर्स ओटावा, ऑन्टेरियो और कैनेडा में आपको मिल जाएगा। ये तो दोस्तों हो गया कुछ डेवलपमेंट इंट्रोडक्शन। इसके बाद मैं आपको एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस करा देता हूं। दोस्तों, ये है कोरलडा का पूरा प्लेटफॉर्म, आपको इसी पे कार्य करना है। तो चलिए मैं आपको एक तरफ से इंट्रोड्यूस कराता हूं। सबसे ऊपर देखिए लिखा है दोस्तों कोरलडा 12, ये दोस्तों टाइटल बार है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहां पे आपको मिल जाएगा फाइल, एडिट, व्यू, लेआउट, ये सारे दोस्तों मेन्यू बार हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा न्यू फाइल, ओपन, सेव, अंडू, रीडू, कट, ये सारे दोस्तों स्टैंडर्ड टूल बार हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे फाइल की साइज, ये देखिए दोस्तों फाइल की साइज, यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे और ये सब ऑप्शन प्रॉपर्टी बार के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपका टूल बार है। उसके बाद राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे कलर पैटर्न है, आप यहाँ से कलर चूज करेंगे। और उसके जस्ट लेफ्ट साइड में आपको एक स्क्रॉल बार मिल जाएगा, जिसे आप अपने पेज को अप और डाउन करेंगे। ये देखिए दोस्तों, अप डाउन करना है इस स्क्रॉल बार से। उसके बाद ये देखिए दोस्तों, जो आपका A4 साइज का एरिया बना हुआ है, ये ड्राइंग विंडो है। उसके बाद जो ये खाली स्पेस है, ये वर्क स्पेस है। और यहाँ पे ये स्टेटस बार है। अब आने वाले वीडियो में मैं आपको एक एक टूल्स और एक एक ऑप्शन पे वर्क करके बताऊंगा कि कैसे आप इस टूल्स का प्रयोग कहाँ पे करेंगे और इस ऑप्शन का प्रयोग कहाँ पे करेंगे। इन सारे टूल्स और ऑप्शन को मैं एक एक करके हर एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और इन सभी टूल्स का प्रयोग करके आप कैसे एक वंडरफुल ग्राफिक्स डिजाइन कर सकते हैं, लोगो क्रिएट कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको आगे की वीडियो में सीखने के लिए मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।